मेहता साहब अब आपकी बारी, प्लीज आइए। रत्न के गुलाबी होने का क्या मतलब है? इस रत्न का गुलाबी होने का मतलब है कि आपका अंजलि भाभी के लिए प्यार एवरग्रीन था और रहेगा। क्या बात है? सही बात। तो भिड़े जी अब आपकी बारी, प्लीज आइए। गिल्लू का क्या मतलब है? इस रत्न का हल्का पीला होने का मतलब है कि भिड़े भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए अब कौन आ रहा है? छोटे छोटे अगर किसी पति के मन में अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा प्यार हो और जोशीला प्यार हो तो उस प्यार की ऊर्जा ये रत्न झेल नहीं पाता और क्रैक हो जाता है। तो जेठा जी अब सिर्फ आप ही बचे हैं, अब आपकी बारी है, प्लीज आइए। अय्यर भाई ऑल द बेस्ट कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिसके पास दया भाभी जैसी बीवी हो उससे किसी और से प्यार हो ही नहीं सकता। क्या अंजलि भाभी आप भी? आइए दया भाभी। अरे आप बबीता जी को क्यों बुला रहे हैं? अरे टप्पू के पापा रत्ना वाली बहन ने बबीता जी को नहीं मुझे बुलाया। अच्छा सॉरी पता नहीं मुझे ऐसा लगा। चलो 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 चलो। ओहो दया भाभी कितना शर्मा रही है आप। दया भाभी अब अभी से शर्माने लगी। पहले जीठा जी को अपना रत्न तो दिखाने दीजिए। शर्माने तो बबीता मने चौकस मालूम छे जेठा भाई के रटन का कलर डबल गुलाबी हो जाएगा। ओ आ बिल्कुल बिल्कुल रसन भाभी। रत्नावली जी आपने तो देखा ही कि गोकुल धाम का एक भी पति ऐसा नहीं है जिसका रत्न काला हो गया। तो एक सुझाव है कि अगर चाहो तो ये टेस्टिंग अभी आप यहीं अटोप सकते हैं। अटोप सकते हो मतलब? मतलब आपकी ये टेस्टिंग की दुकान का शटर डाउन कर सकते हैं। जेडलर इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? किस बात का डर है तुमको? डरने की कोई बात नहीं है यार भाई लेकिन अभी कंटाला आ रहा है। मतलब क्या है कि अभी ये रत्न का कलर कोई भी हो लाल गुलाबी नीला पीला या रत्न टूट भी जाए तो इनका निदान तो एक ही है ना कि पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है तो वो तो हम सबको पता ही है। दूसरा क्या है कि मैं दया से कितना प्यार करता हूँ वो तो आप सब जानते ही है ना। तो फिर आप सबके सामने ही मतलब जाहिर में मेरे प्यार का सबूत देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगती है। क्या बोलती है दया ये लव टेस्ट कराने की जरूरत लगती है? ये बराबर है पर मुफ्त में हो रहा है तो करवा लीजिए ना। ये अहमदाबादी क्या मफत का तो सबको अच्छा लगता है। अभी आप कच्छ में जाओ और कहो कि मुंबई में मफत में ले जा रहे सब लोग तैयार हो जाएंगे। तो इसमें कच्छ कहाँ से आया बीच में? तो फिर इसमें उंडा कहाँ से आया बीच में? अच्छा अच्छा ठीक है बच्चा ले अहमदाबाद भाग छोड़। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ की लव टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बबीता अब इन्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। जब इन्हें लव टेस्ट कराना ही नहीं है तो ना सही। लेकिन जेठा जी ये बात याद रखिएगा कि दया भाभी इसे कभी नहीं भूल पाएंगी। ये चापली आज मेरे और दया के बीच में झगड़ा करवा कर रहेगी। टप्पू के पापा करवा लीजिए ना मुझे भी रत्न का रंग बदलते देखकर खुश होना है प्लीज। हाँ नहीं नहीं ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आज एक तो संडे है छुट्टी का दिन है और आधा दिन तो ये इसी में चला गया तो
का वक्त बचाने के लिए कह रहा था कि अभी ठीक है ना, सबका पता चल गया तो मेरा भी वही होगा। तो हम का क्यों मतलब रहने देते हैं ना? नहीं नहीं करवा लीजिए ना टपू के पापा प्लीज। अच्छा वेरी गुड। ना ना सर रिक्वेस्ट किया, तू कह रही है इतना तो ठीक है करवा लेते हैं। करवा लो। हाँ वेरी गुड थैंक यू। और जेठा ब्रा दिखा दो अपना रत्न और पीट दो दया भाभी के साथ आपके प्यार का टिंडोरा। अरे नहीं छोड़ी हुई मुझे के टिंडोरा पीटना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं ठहरा पायरेट आदमी और तो पंजाब प्राइवेट से पब्लिक आदमी। अब लाइए अपना रत्न मुझे दीजिए। ओ नो क्या हुआ? शायद मेरा स्प्रे खत्म हो गया है। बोलो ये तो शुभ संकेत हुआ। ओ मतलब भगवान भी नहीं चाहता कि मेरा लव टेस्ट हो। उनका भी पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ तो मुझे कोई टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है चलो भाई भिड़े ऐलान कर दे भाई आज की ये सभा यही समाप्त होती है। अरे जेठा भाई। लेकिन जेठा जी मेरे पास दूसरा स्प्रे है। ओ वाजी वाह रत्नावली जी, ओ जैसे गड्डी में स्पेयर व्हील होता है वैसे ही आपके पास स्पेयर स्प्रे भी है। अरे पर क्यों नई बोतल खोलनी है भाई? ठीक है ना हो गया बेटा, अभी रहना तो अभी ठीक है। प्लीज टपू के बाबू। ओ आज तो एकदम ननी किकली थी गई है तो ये ही है। प्लीज रिपोर्ट। ठीक है खोलिए बोतल। हे भगवान बच्चा लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डार्लिंग रत्न जो छुपा है उसे दिखा दे, इनके मन में क्या है ये बता दे। काला हो चुका है और ये सिद्ध हो चुका है कि आप अपनी पत्नी से नहीं किसी और से प्यार करते हैं। जेठा जी जी नहीं, मेरे रत्न में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मेरे रत्न में गड़बड़ होती तो इन सब के रत्न का रंग काला होता जेठा जी। लेकिन आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ है? अरे भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ मेरा रत्न काला क्यों हुआ, किसी और का क्यों नहीं हुआ?
आपके मन में अपनी पत्नी के लिए प्यार है, लेकिन आपके मन में कोई और बसा हुआ है जेठा जी। बबीता जी समझाइए अपनी सहेली को, ये कुछ भी बोल रहे हैं, अरे सीधा इल्जाम लगा रहे मुझ पे। दया, दया मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है दया, दया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा ही है, और मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते हैं जेठा जी। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेहता साहब पीड़े छोटी अय्यर भाई आतिफ भाई, अरे आप सब चुप क्यों हैं? जरा बोलो ना इनको। रत्नावली जी मैं नहीं मानता आपके इन रत्नों को, और जेठा बड़ा ऐसा कर ही नहीं सकते। ओ ये तो रत्न है इसलिए बच गए, अगर कोई इंसान होता ना तो उसको पकड़ के उसके अंदर से सारा कष्ट बलवा लेता। अरे मी बड़ा रोशन जरा गपचुप रहनी बाबा, शांत है जा। रत्नावली जी आप फिर से एक बार टेस्ट कीजिए ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना आपकी? हाँ रत्नावली जी प्लीज जरा फिर से चेक कीजिए ना, देखिए गलती से आपके रत्न ने कहीं झूठा परिणाम तो नहीं दिखाया ना। हाँ। जी नहीं, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इंसान झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे रत्न कभी झूठ नहीं बोलते अंजलि भाभी। पर ये कैसे हो सकता है? देखिए रत्नावली जी, आपको अपने रत्नों पे इतना भरोसा हो सकता है कि झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इस केस में आपके रत्न सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जेठालाल मेरा परम मित्र है, और मैं अच्छे से जानता हूं कि जेठालाल ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे अपने दोस्त पे आपके रत्नों से ज्यादा भरोसा है। हाँ, और रत्नावली जी रत्न तो निर्जीव है, लेकिन जेठालाल एक जीता जाता इंसान है। देखिए रत्नावली जी, हम जेठा भाई को सालों से जानते हैं और हमें उन पे पूरा यकीन है। जेठा भाई के केस के डायग्नोसिस में कुछ गड़बड़ हुई है, आप एक सेकेंड ओपिनियन लीजिए। अरे डॉक्टर आती सेकंड ओपिनियन की जरूरत क्या है? हम सबकी ओपिनियन है ना कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत है, हो ही नहीं सकता। जब कड़वा सच सामने आया तो मेरे रत्न झूठे हो गए। अरे ये वही रत्न है बेड़े साहब, जिसे आपने 100 में से 100 मार्क्स दिए थे, और मेहता साहब आपने तो शेर कहे थे, और सोडी जी आपने कमाल का कहा था इन रत्नों को, और डॉक्टर हाथी आपके डायग्नोसिस में भी मेरे रत्न खरे उतरे थे ना। ये वही रत्न है जिसकी आप लोग इतनी तारीफ कर रहे थे। अब जब सच सामने आया तो मेरे रत्न झूठे और गलत हो गए। क्या बात है, देखिए मेरी बात मानिए, मेरे हर केस में यही होता है कि जब पति की असलियत सामने आती है तो उसके दोस्त उसकी फैमिली कोई भी ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। सभी को ये लगता है कि रत्न झूठ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई का स्वीकार करना ही पड़ता है। आप किसी और के साथ मेरी तुलना मत कीजिए, मैं जेठालाल चंपकलाल कड़ा हूँ, ऊपर से गोकुलधाम निवासी हूँ। अरे मैं मेरी दया को छोड़ के किसी और को प्यार क्यों करूं? क्यों दया? पपिता जी, जेठा जी, I'm very sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं रत्नावली को यहाँ पे बुलाती और ना ही ये सब कुछ यहाँ पे होता। हाँ, क्यों बुलाया आपने इनको इधर? Listen, रत्ना, I think there has to be some sort of misunderstanding. तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? हाँ। नहीं बबीता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इंसान गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे रत्न नहीं। अच्छा, अब समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? बराबर बराबर बराबर। क्यों हुआ है? आपका रत्न, मतलब आपने जो रत्न मुझे दिया ना, वो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, वो आकर्षण को प्यार समझ बैठा। मतलब समझाता हूँ, आप
का जो रत्न है वो जेंट्स के मन की बात बताता है, बराबर? हाँ। तो हर जेंट्स के मन में किसी न किसी सुंदर स्त्री के लिए थोड़ा बहुत आकर्षण रहता है। अभी क्या है कि हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी है, उसमें काफी बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं। तो ऐसे ही एक बार दीपिका पादुकोण जी आए थे, याद है? तो उनको देख के एक दो घड़ी मुझे थोड़ा आकर्षण हो गया था कि वाह कितनी सुंदर दिखती है दीपिका जी। और मैंने दया को भी बोला था, याद है कि देख देख दीपिका जी कितनी सुंदर दिखती है, नहीं याद है? हाँ। पर मुझे क्या, हर मर्द को किसी ना किसी सुंदर स्त्री के लिए थोड़ा बहुत आकर्षण होता है। अब ये मेहता साहब को ले लीजिए, इनको माधुरी दीक्षित जी बहुत पसंद है, नहीं मेहता साहब? हाँ मतलब हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेहता साहब का माधुरी दीक्षित जी के साथ चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, करेक्ट है रत्नावली जी, इस रत्न का रंग ना वो आकर्षण की वजह से ही बदला है। अभी ये रत्न को क्या मालूम कि आकर्षण और प्यार में डिफरेंस क्या है? सही बात है। तो अगर ऐसा है तो इन सब के रत्न का रंग काला क्यों नहीं हुआ? जब आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ जेठा जी? नहीं जेठा जी, ये रत्न आकर्षण और प्यार का फर्क समझते हैं। आपके मन में किसी और के लिए प्यार है, इसलिए रत्न काला हुआ। अरे बेवकूफ जैसी बातें मत कीजिए, आप बेकार का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। देखिए आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे रत्न हमेशा सत्य को ही सामने लाते हैं। अब क्यों मेरे सुखी संसार को तबाह करने पे तुली हुई है? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? किस बात का बदला ले रही है मुझसे? मैं आपसे बदला क्यों लूंगी जेठा जी, ना मैं आपसे पहले मिली हूँ ना मैं आपको जानती हूँ। सच्चाई ये है कि आप बचने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी हर बात को झूठ प्रूफ कर दूंगी जेठा जी। ये रत्न काला हो चुका है और ये सिद्ध हो चुका है कि आप अपनी पत्नी से नहीं किसी और से प्यार करते हैं जेठा जी। अरे कैसे सिद्ध हो गए? पहले तो आपने लव टेस्ट डालने की कोशिश करी क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पता था कि अगर टेस्ट होगा तो रत्न का रंग काला हो जाएगा। रत्न काला होने के बाद आपने कहा कि ये रत्न गलत है, आपने सोसाइटी वालों की हमदर्दी लेने की कोशिश करी और मैंने वो दावा भी झूठा साबित कर दिया, क्योंकि अगर मेरे रत्न गलत होते तो सबके रत्नों का रंग काला होता जेठा जी। सिर्फ आपके ही रत्न का रंग काला क्यों हुआ है? फिर आपने कहा कि आकर्षण, लेकिन मैंने आपकी ये बात भी गलत प्रूफ कर दी थी। अब और कितनी झूठी दलीलें देंगे जेठा जी? सच्चाई सामने आ गई है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब पकड़े गए हैं तो कबूल कर लीजिए जेठा जी। अरे ये सब क्या चल रहा है? वजह से मेरे प्यार पे शंका हो रही है। एक पित्तू सा कांच का टुकड़ा वो तय करेगा कि मेरे दिल में दया के लिए प्यार है कि नहीं। हाँ? क्या चल रहा है ये? छोड़िए जेठा जी, अब बहस करके कोई फायदा नहीं है। कहाँ जा रहे हो? हो गया बंटाधार, वही हुआ जिसका डर था। जेठालाल के रत्न का रंग बदलकर काला हो गया। क्या जेठालाल दया भाभी के अलावा किसी और से प्यार करता है? क्या जेठालाल के दिल में कोई और है? भाई रत्नावली के रत्न ने तो यही सिद्ध किया, और जेठालाल की हर दलील को रत्नावली ने गलत साबित कर दिया। अब क्या होगा, क्योंकि गोकुल धाम में जो हो रहा है आज तक कभी नहीं हुआ। क्या करेगा मेरा परम मित्र जेठालाल, इस चक्कर से बच के कैसे निकलेगा? क्या रत्नावली की बात सब लोग मान जाएंगे? क्या दया भाभी जेठालाल के मन की बात जान जाएंगी? क्या दया भाभी जेठालाल की बात मान जाएंगी? ये सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और प्रार्थना कीजिए मेरे मित्र के लिए। जेठालाल कहाँ जा रहे हो?
पता नहीं। अरे क्या पता नहीं, रुको ना भाई। नहीं मेहता साहब, अभी मैं यहाँ नहीं रुक सकता। किसी ने सबके सामने मेरे प्यार पे उंगली उठाई है, मुझे गुनहगार जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन जेठालाल, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सही बात है जेठा भाई। बोलना आसान है भीड़े, लेकिन आप सबके मन में एक ख्याल तो रहेगा ही ना कि मैं दया को छोड़ के किसी और से प्यार करता हूँ। आज के बाद आप सब मुझे अलग नजर से देखेंगे, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा।